हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स तीनों चीज़ें हिंदी भाषा में पढ़ाता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीआरआई का मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 3। तो आज हम मैथ्स का देखेंगे पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथ्स का डाल दिया है सीजीआरआई का, तो उसको आप जरूर देख लेना। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग और करेंट अफेयर तीनों चीज़ें आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं सीजीआरआई के मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 लेके। तो चलिए, हमने लास्ट टाइम 60 नंबर के क्वेश्चन तक देखे थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन से। तो इसमें 61 नंबर का क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां ए और बी 650 रुपये की कुल कीमत पर खरीदी। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर, ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचता है। ए और बी के क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। तो ए और बी के क्रय मूल्य पूछा है, और यहाँ पे देखो बोला है कि वह दोनों घड़ियां को समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप ऑप्शन से ही इसको क्रैक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, जैसे कि 250 रुपये और 400 रुपये। तो 250 रुपये है, तो 250 रुपये तो पहला घड़ी है, तो 250 इसमें क्या हो रहा है, 20% का लाभ। तो हम इसको क्या कर देंगे, 120% निकाल देंगे। जब इसका 120% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/100, तो ये 6/5 हो जाएगा यहाँ पे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 25 को 50 बार में कट करेगा, तो 50 × 6 करेंगे तो 300 रुपये आ गया, ठीक। तो हमें पता चल गया उसका विक्रय मूल्य क्या था, 300 रुपये था। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं 400 रुपये के लिए, 400 रुपये देखते हैं, तो उसका हम 75% निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बी में को 25% हानि पर है, तो 25% कम कर देंगे। यहाँ पे 20% ज्यादा हुआ था तो 20% बढ़ा दिए थे, यहाँ 25% कम हो रहा है तो 25% कम कर देंगे, तो आ जाएगा 75/100। तो यहाँ से 400 है तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 और का मल्टीप्लाई होगा 75 से, तो इसका आ गया 300। मतलब इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों बराबर आ रहा है, 300 रुपये और 300 रुपये। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि इसका विक्रय मूल्य समान आ रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न मतलब 62। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है एवं उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए ए और बी की आयु 6:5 है, तो हम क्या करेंगे, 6x और 5x ले लेंगे अनुपात में। फिर उसने सेकेंड लाइन क्या बोला है, यहाँ पे उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 6x + 5x क्या होगा, 11x होगा। तो 11x को ही उसने क्या बोला है, 44 वर्ष बताया है। तो 11x 44 वर्ष के बराबर है, तो x क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 11 चौक से कट जाएगा, ठीक। फिर क्या बोले उसने, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास क्या है, 6x और 5x है, तो 6x/5x ले लेंगे, 8 वर्ष, तो दोनों में 8 वर्ष होगा, +8 + 8। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 × 4 + 8 और 5 × 4 + 8, तो 24 + 8 = 32 और 20 + 8 = 28, तो 8:7 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट कर देखते हैं हम लोग, 63 नंबर में, यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए? तो फिर यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इसको, आप देख लो। मान लो क्या था, वो 100 रुपये था, हम मान सकते हैं कुछ भी क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो 100 रुपये था, तो उस क्या हो गया, 125 रुपये हो गए, 25% बढ़ाएंगे तो 25 रुपये और बढ़ जाएगा इसमें, 125 रुपये हो गया। फिर उसने बोला नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 125 - 100 करेंगे तो 25, और बेस क्या लेंगे हम, आधार उसका 125, क्योंकि हम 125 रुपये से घटा रहे हैं, तो 25/125 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 को हम जब परसेंट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 20% लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न 64 नंबर। 3 परीक्षाओं में जिनमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, ठीक है, एक विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा में क्रमशः 45% और 55% अंक प्राप्त हुए।
60% का समग्र अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पे तीन परीक्षा बोल रहा है, तो तीन परीक्षा 500-500 नंबर का है तो 1500 हो जाएगा। अब उसने समग्र का 60% बोला है, तो समग्र का 60% निकालेंगे तो हम 900 नंबर लाना है हमें, पता चल गया। यहाँ पे देख सकते हो 1500 का 60% 900। अब फिर उसने बता दिया प्रथम उसने 45% पाया है, तो 500 में 45% पाया है, तो 500 का 45% निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है 225। फिर द्वितीय में 55%, तो फिर 500 का 55% निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है 275। तो 225 और 275 को ऐड कर देंगे तो 500 नंबर आ रहा है। और उसने क्या पूछा है लास्ट में हमें, तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, मतलब 60% लाने के लिए, और 60% के लिए हमें 900 नंबर लाना है। तो 900 माइनस 500 कर देते हैं जो आया हुआ है, तो हमारे पास आ गया 400। तो 400 नंबर की आवश्यकता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक वर्गाकार तालाब की प्रत्येक भुजा 2 मीटर की तथा उसकी गहराई 1 मीटर है। अगर उस तालाब को बिना उसकी गहराई बदले एक ऐसे गोल तालाब के रूप में बड़ा किया जाए जिसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर हो, ठीक है, तो उसमें से निकलने वाली मिट्टी का आयतन क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार तालाब है, चलो ठीक है इसको वर्गाकार मान लो आप, ठीक है एक वर्गाकार तालाब था, उसके प्रत्येक भुजा क्या है 2 मीटर है, तो 2 है चारों तरफ, 2 2 2, ठीक है। अब उसने बोला तालाब को उसकी गहराई बोला 1 मीटर है, चलो 1 मीटर गहराई है जो कि अभी यहाँ से तो दिख नहीं रहा है। तो अगर उस तालाब को बिना उसकी गहराई बदले एक ऐसे गोल तालाब के रूप में बड़ा किया जाए जिसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर हो, तो यहाँ से देखो बना लिए हम गोला, ठीक। अब ये जो यहाँ एरिया दिख रहा है चारों तरफ, इसको और बढ़ाना है हमें, और वही पूछा है, तो उससे निकलने वाली मिट्टी का आयतन क्या होगा, जो यहाँ निकलेगा मिट्टी उसका आयतन पूछा है चारों तरफ का, और जो वर्ग का विकर्ण है वो व्यास के बराबर है किसके, गोले का। तो सबसे पहले हम जान लें कि वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है ए अंडर रूट टू, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या दिया हमें 2 दिया है, तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं जो हमारा सर्कल होता है, यहाँ पे देखो सर्कुलर शेप, यहाँ गोल तालाब बोला है, मतलब गोल तालाब मतलब वृत्त की तरह बोला है, ठीक है गोला मत समझना आपको इसको, गोल तालाब बोला है। तो सर्कुलर मतलब सर्कल के जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा आयतन के लिए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा वर्ग के लिए। तो हम जब इस गोले से इस वर्ग को घटाएंगे तभी तो हमें चारों तरफ की जो बची हुई मिट्टी निकली है वो पता चलेगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये जो हमारा विकर्ण है तो ये हमारा व्यास है, और व्यास का आधा क्या होगा 2√2/2, इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा 2 2, यहाँ से कट जाएगा दोनों तरफ ऊपर नीचे, पाई √2 का स्क्वायर माइनस 4, तो फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2π-4। आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। एक दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है, दीर्घ वृत्त का दीर्घ व्यास उसके लघु व्यास का दुगुना है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट से समझना है। एक दीर्घ वृत्त का बात कर रहा है, दीर्घ वृत्त मतलब इलिप्स की बात कर रहा है, तो इलिप्स इस तरह बनता है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह। तो एक दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हमारा दीर्घ वृत्त हो गया, फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हमारा वृत्त हो गया। मैं इसी को इसके अंदर ले लिया हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। फिर उसने बोला दीर्घ वृत्त का दीर्घ व्यास उसके लघु व्यास का दुगुना है, तो दीर्घ वृत्त का दीर्घ व्यास क्या है, ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है, उसका लघु व्यास क्या है, छोटी वाली लाइन, ठीक है। तो ये बड़ी वाली लाइन ये छोटी वाली लाइन से दोगुना है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है ये हाफ वाली होगी, ठीक है, यहां से यहां तक त्रिज्या। अब यहाँ पे देखो जो लघु व्यास है उसका ये क्या है, लघु व्यास है, तो लघु व्यास का क्या है, आधा होगा मतलब 50% होगा। यहाँ पे देखो दीर्घ वृत्त के लघु व्यास का 50%, तो लघु दीर्घ वृत्त है उसका लघु व्यास ये है, अब उसका 50% ही यहाँ छोटा सा होगा, हाफ मतलब वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, सिंपल है ऑप्शन ए सही होगा।
अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से समझना इसको आप फिर से, क्या बोला मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, यदि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिन में भर सकते हैं, तो उसी टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता है? देखो, सामान्य क्षमता के 15 पंप हो रहा है, मतलब 15 पंप 7 दिन तक भरेंगे, तो 105 पंप के बराबर भरेंगे, मतलब 15 पंप 1 दिन, 15 पंप 2 दिन, ऐसे करके तो 7 दिन में 105। तब हमें भरना कितने दिन में है? 5 दिन में। तो 105 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 दिन में 21 पंपों की आवश्यकता पड़ेगी जो 5 दिन में भर सकता है। तो 21 पंप मतलब 15 पंप पहले था हमारे पास और 21 अब, तो 21 माइनस 15 कर देंगे तो 6 पंप। तो सिंपल सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 6 पंप की आवश्यकता पड़ेगी हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के अनुपात में है तो त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज क्या है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है, अगर वो अधिक कोण रहेगा तो जो सी का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बड़ा हो, मतलब सी का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा a² + b² से, तो यहाँ पे बड़ा तो नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगर सी का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, लेकिन ए का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो समकोण त्रिभुज के लिए अब क्या होता है, जो सी का स्क्वायर होता है मतलब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर होना चाहिए a² और b² के बराबर, तो ये भी नहीं आ रहा है। लेकिन न्यून कोण के लिए क्या होता है, देखिए सी का स्क्वायर करेंगे तो ये छोटा होना चाहिए किसे, a² और b+b² से, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और a² करेंगे और b² करेंगे 25 आएगा, तो 25 से तो 4 छोटा ही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। यहाँ पे एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष पर 15 मीटर × 6 मीटर तथा 10 मीटर गहरी है, इसमें पूरा पानी भरा है, इससे कितना पानी निकाला जाए कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए। देखिए ये टंकी है, समझ जाओ इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है, लंबाई 15 है, चौड़ाई 6 है, और ऊंचाई जो है गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो ये 10 है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर नीचे हो जाए, मतलब 1 मीटर पानी निकालना है, तो 1 मीटर पानी निकलेगा तो यहाँ पे देखो आप यहाँ से 1 मीटर निकालना है, तो लंबाई क्या रहेगा 15 मीटर, चौड़ाई क्या रहेगा 6 मीटर, और उसकी ऊपर की जो रहेगा हाइट वो 1 मीटर रहेगा, तो 15 × 6 × 1 मतलब 90 मीटर का पानी निकल जाएगा। तो 90 मीटर का पानी निकल जाएगा, तो हमसे ऑप्शन में पूछा है क्या लीटर में, तो 90 × 1000 करेंगे, क्योंकि लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 लीटर आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, एक 1 मीटर पानी निकालना है हमें, और 1 मीटर पानी निकालेंगे तो लंबाई तो वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, और ऊपर की पानी ही हटेगा तो 1 मीटर ऊपर से निकलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आरआई का, जो मैथ्स क्वेश्चन था 2017 का उसका। तो यहाँ पे देखो एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले के त्रिज्या की दुगनी है तो शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात होगा। चलिए इसमें देखो एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो ठीक है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 π r² h इक्वल टू कर दिए 4/3 π r³ हो जाता है यहाँ पे किसके लिए, गोले के लिए, तो दोनों को बराबर कर दिए। फिर बोला है यदि शंकु का आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दुगनी है, तो शंकु का बात कर रहा है तो r₁ = क्या करेंगे 2r₂ हो जाएगा, 2r₂, ठीक है, क्योंकि r₁ दुगनी है r₂ से। फिर बोला है तो शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो शंकु की ऊंचाई क्या, सबसे पहले तो ये क्या है 3 3 कट जाएगा नीचे से, पाई पाई कट जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पे r₁ का स्क्वायर है, ठीक है, और एच बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और r₂ का³ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जो r₁ का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो r₁ का वैल्यू क्या है 2r₂, तो 2r₂ पुट करेंगे तो स्क्वायर में है तो 4r₂ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और एच है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 R2 का क्यूब है यहाँ पे, ठीक। तो R2 को स्क्वायर कट जाएगा तो R2 बच जाएगा यहाँ पे, और एच बचेगा और 4 4 भी कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, R2। तो इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे जो दिया है R1 = 2 R2, तो इसको हम जो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 = 2 H। तो हमसे पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात, तो H बराबर R1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे आंसर। तो इस तरह RI के मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने थोड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर तीनों चीज़ें आपको इस चैनल से मिल जा रहे हैं।